वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। IAS अधिकारी के घर का वीडियो वायरल, धर्मांतरण का लग रहा है आरोप, क्या ऐसे करेंगे जिले की सुरक्षा? अपराध में लिप्त अधिकारी, सरकार के खिलाफ गया अधिकारी, धर्म परिवर्तन के गिरोह के खिलाफ मुहिम चला रही यूपी सरकार के सामने एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। इसमें उत्तर प्रदेश के IAS इफ्तिखारुद्दीन के कुछ वीडियो सामने आए, जिसमें वो कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठे हैं। पूरे दुनिया के इंसानों, या युवन नास, एक कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, और धर्म परिवर्तन के फायदे गिना रहे वक्ता को सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में IAS इफ्तिखारुद्दीन इस्लाम धर्म के प्रचार की बातें भी कर रहे हैं। Tell the mankind that oh mankind, I am the Rasul of Allah to you all in total, jamia in total. Not a single has been spared. तुम सबके लिए मैं अल्लाह का रसूल। वायरल वीडियो में इस्लामिक वक्ता दावा करता है कि पिछले दिनों पंजाब के एक भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी थी, अलबत्ता हम लोग जाते हैं तबलीगी जमात करते हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनसे कहा कि इस्लाम कबूल क्यों किया तुमने? उनके मिशन को आगे बढ़ाए, उन्होंने जज़ीरे नुमा अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। जिस पर उन्होंने कहा कि बहन की मौत के कारण इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि जब उसको मरने पर जलाया तो कपड़ा जल गया, वो निर्वस्त्र हो गई, सब देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहाँ से निकल गया और फिर मैंने सोचा कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, मेरी बेटी भी है, कल उसको भी लोग देखेंगे। मरने के बाद ये भी ऐसे ही जलेगी। फिर मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं है, मुझे कबूल कर लेना चाहिए। ऐसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें जरिया बन रही है लोगों के इस्लाम कबूल करने के लिए। या युवन नास, एक कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इंसान के माने एक इंसान। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन 17 फरवरी 2014 से 22 अप्रैल 2017 तक कानपुर के मंडला आयुक्त रहे, वो शर्मा आयुक्त का पदभार भी संभाल चुके हैं। उनसे जुड़े जो आधा दर्जन वीडियो वायरल हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि वीडियो उस वक्त के हैं जब वो कानपुर के मंडला आयुक्त थे। भाजपा के कानपुर दक्षिण के उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी ने इन वीडियो के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऑनलाइन शिकायत की है। आरोप लगाया है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिसमें वरिष्ठ IAS हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही उन पर मत परिवर्तन कराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सरकारी आवास पर धर्म से जुड़े प्रचार प्रसार को भी गलत मानते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। राज्य कर्मचारी नेता भूपेश अवस्थी ने भी इसकी शिकायत की है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला